नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं बिल्कुल एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन के साथ। और ये रिक्रूटमेंट है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर की, और इसमें म्यूजिक टीचर की वैकेंसियां भी शामिल हैं। और ये आई है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों आपको जल्दी अप्लाई करना होगा क्योंकि लास्ट डेट इसकी आ गई है काफ़ी नज़दीक। तो ठीक है, बिल्कुल हम डिटेल्स देख लेते हैं। और वैकेंसियाँ इसमें सभी, लगभग सभी सब्जेक्ट की वैकेंसियाँ हैं इसमें। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हमेशा की तरह आप सबसे पहले देखिए ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है aees.gov.in। यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट टीचर रिक्रूटमेंट 2019-20। और जो ये वैकेंसियां हैं ये निकली हुई है महाराष्ट्र में, निकली हुई है स्पेशली मुंबई में, निकली हुई है मुंबई के लिए है ये रिक्रूटमेंट। बाकी अप्लाई कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी कर सकता है इन पदों के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से ये नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। 13 मार्च 2019 को ये जारी किया गया है। जरा सा डिले हो गए हैं हम वीडियो आपके लिए लेके आने में, तो अभी समय बाकी है, जल्दी करना पड़ेगा आपको। टीचिंग पोस्ट है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की। यहाँ सैलरी दे रखी है 27,500 रुपए पर मंथ कंसोलिडेटेड सैलरी है। पीजीटी की मैक्सिमम एज 40 साल, टीजीटी की है 26,250 पर मंथ एज 35 साल, और पीआरटी की जो वैकेंसी है वो है 21,250 पर मंथ कंसोलिडेटेड एज है 30 साल। और भी दे रखा है इसमें 220 रुपए पर पीरियड रिस्ट्रिक्टेड है, जो की मैक्सिमम है 5 पीरियड पर डे, सभी के लिए यही है रिस्ट्रिक्शन। और इसके बाद एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी, सबसे पहले हम पीजीटी की देखेंगे, सबसे पहले पीजीटी की वैकेंसियां हैं। और ये देखिए उससे पहले आप ये और देख लीजिए कब का आपका होना है, इसमें रिटर्न एग्जाम कब होना है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, पहले वो डिटेल्स देख लीजिए। अगर पॉसिबल हो कि आपको लगता है आपकी एप्लीकेशन तब तक पहुंच जाएगी तो बाकी की डिटेल्स भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो है ये काफी लंबा। बोर्ड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है, रिटर्न टेस्ट होगा, द स्क्रीनिंग शैल बी मेड थ्रू द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट MCQs 450 marks in the respective subject of 1.5 hours. Candidate scoring 50% or above. General category 45% or above. SC, ST, OBC, physically handicapped will be considered for skill test. अगर आपके 50% अंक आते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके 45% अंक आने चाहिए रिटन टेस्ट में, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, इनका होगा स्किल टेस्ट। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एग्जाम्पल्ड एंड विल बी ऑपरेटेड एज पर द अराइवल ऑफ द वैकेंसीज इन AEC स्कूल्स जूनियर कॉलेज एट मुंबई। तो मुंबई के लिए वैकेंसी है। वेन्यू, डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट ये दे रखे हैं। ये यहाँ स्कूल का नेम है और ये सब्जेक्ट है, और ये डेट दे रखी है, और ये दे रखा है टाइम, किस समय और किस पोस्ट का किस डेट को होना है रिटन टेस्ट। और देखिए रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द रिटन टेस्ट बाय द रिस्पेक्टिव स्कूल, अगले दिन जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट। डेट एंड वेन्यू of skill test will be announced with the result of written test by the respective school. इसके बाद है जर्नल इंस्ट्रक्शंस, कैसे आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट मस्ट सबमिट एप्लीकेशन अलोंग विद द कंप्लीट बायोडाटा गिविंग डिटेल्स ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस विद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन द रिस्पेक्टिव स्कूल। द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म मे बी सबमिटेड एट द रिस्पेक्टिव स्कूल 2 days बिफोर द डेट ऑफ रिटन टेस्ट। ए सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट मस्ट बी अटेस्टेड विद ईच ऑफ द एप्लीकेशन। तो दोस्तों जो एग्जाम का डेट है, जो रिटर्न होना है जिस तिथि को, उससे 2 दिन पहले तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए जिस भी कंसर्न स्कूल में आपको अप्लाई करना है, जहां आपका होना है रिटर्न टेस्ट उस स्कूल में। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन द रिटर्न टेस्ट डेट। कैंडिडेट नॉट ब्रिंगिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर फॉर द रिटर्न टेस्ट। और रिटर्न टेस्ट के लिए अगर आप आए तो उसके लिए आपको ओरिजिनल आपके सर्टिफिकेट भी लेके आने होंगे। कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट इफ अप्लाइंग मोर देन वन पोस्ट। कैंडिडेट हुज एग्जामिनेशन रिजल्ट आर अवेटेड मे आल्सो अप्लाई, दे विल बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू द सबमिटिंग ऑफ प्रूफ ऑफ एक्वायरिंग डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। नो TADA इज एडमिसेबल फॉर अटेंडिंग द रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट फॉर कैंडिडेट। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पीजीटी की पोस्टों से। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट GCPA, तो 50% मार्क्स के साथ एमए होनी चाहिए, और 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट GCPA, और
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट सीजीपीए इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ कन्वर्सन ऑफ corresponding university institution from a recognized university and BAED BSED from a recognized university. तो दोस्तों ये होनी चाहिए PGT के लिए qualification. ये देखिए post PGT English की, PGT Hindi, PGT Marathi, PGT Mathematics, PGT Physics, PGT Chemistry, PGT Biology, PGT Economics, PGT Commerce, PGT Computer Science ये है. और Computer Science के लिए यहाँ अलग से eligibility दे दी गई है. अगर आपके पास है ये तो आप कर सकते हैं apply. और उसके पास साथ आपके पास होनी चाहिए proficiency in teaching in English medium. English medium में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए. B.Ed or equivalent degree from a recognized university except PGT कंप्यूटर साइंस. और बीएड बिल्कुल आवश्यक है आपके पास होनी पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ और उसके साथ साथ बीएड. और डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी. इसके बाद है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन ऑफ TGT. अब आ गई है TGT की बारी. एसेंशियल है 3 ईयर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA और 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट GCPA. और सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये है पोस्ट का नाम. इन सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए TGT इंग्लिश, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर. ऐसे ही TGT सोशल साइंस बी ए विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, TGT हिंदी संस्कृत, TGT मराठी, TGT मैथमेटिक्स फिजिक्स, TGT biology chemistry, TGT electrical maintenance. Note, देखिए the candidate with professional qualification of special B.Ed, D.Ed or special D.Ed are not eligible to apply. तो special B.Ed वाले नहीं चलेंगे, सिर्फ B.Ed वाले ही apply कर सकते हैं. Educational and other qualification for other TGT post. Other TGT post भी हैं, TGT computer science, यहाँ दे दी गई है eligibility. इसी तरह TGT art की post है, यहाँ आपको essential और desirable qualification मिल जाएंगी. इसी तरह TGT BET की है जो PTI की निकलती है, तो ये देख लीजिए यहाँ है इसकी. TGT electrical मेंटेनेंस की भी पोस्ट है इसमें, तो यहाँ इनके लिए दे रखी है डिजायरेबल और एसेंशियल क्वालिफिकेशन. और देखिए पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर 2 कंडक्टेड बाय CBSE इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फॉर्म बाय NCTE फॉर द पर्पस. तो दोस्तों TGT के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीटेट का पेपर 2 भी क्लियर होना चाहिए. और द कैंडिडेट शुड पोसेस द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. और बीएड की क्वालिफिकेशन, बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए जो कि अंतिम तिथि है उस तिथि तक. Proficiency of teaching in English medium except for TGT Hindi and Sanskrit and TGT Marathi. और English medium में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए सभी टीचर को, except छोड़ के किसको, TGT Hindi Sanskrit और TGT Marathi को. और desirable है working knowledge of computer, proficiency in teaching for Hindi medium. इसके बाद है PRT टीचर्स की है educational and other qualification for primary teacher, PRT preparatory teacher. तो यहाँ दे रखिए PRT की. अब देख लेते हैं essential qualification, senior secondary school certificate with at least 50% marks और equivalent CGPA और intermediate और its equivalent with 50% marks और equivalent GCPA obtained by conversion of percentage in accordance with the method of conversion of corresponding university institution norms. इसके बाद है English as a subject in class 12 is mandatory. Proficiency in teaching in English medium. They should have studied Hindi as a subject in their course. The candidate should possess 2 year diploma in education, D.Ed or bachelor's in elementary education, B.E.I.L.E.D. इसके बाद PRT music की है. इसमें PRT music की, PRT music के लिए यहाँ essential और यहाँ essential qualifications दे रखी हैं. Senior secondary school certificate with at least 50% marks और equivalent GCPA. और इंटरमीडिएट और इक्विलियंट विद 50% मार्क्स और इक्विलियंट GCPA एंड बैचलर्स डिग्री इन म्यूजिक और इक्विलियंट विद 50% एग्रीगेट मार्क्स. तो यहाँ देख लीजिए प्रोफेशनसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम. इसके बाद है प्रोपरेटरी टीचर की, यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं. और इसी के साथ साथ सीटेट पेपर 1 भी आपका क्लियर होना चाहिए इसके लिए. और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और प्रोफेशनसी इन टीचिंग इन हिंदी मीडियम, ये है डिजायरेबल.
इसके बाद है आयु सीमा में छूट। एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल की छूट है, वुमेन कैंडिडेट को 10 साल की छूट है और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स मिल जाएगी छूट। ये दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भर के और सबमिट कराना है पीजीटी टीजीटी और पीआरटी टीचर्स के लिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए, सारी डिटेल्स देखिए जो इस नोटिफिकेशन में दे रखी है, और अगर आप आसपास के हैं तो ही अभी एप्लीकेशन पहुंच पाएगी क्योंकि 2 तारीख को तो इसका टेस्ट होना ही है। 2 तारीख से 2 दिन पहले तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। तो 26 तारीख हो गई है, काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो जो आसपास के कैंडिडेट हैं जो महाराष्ट्र में या मुंबई के आसपास के हैं तो वो बिल्कुल आराम से अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, यही थी इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। बाकी इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।